हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का चैप्टर नंबर सिक्स के एम सी क्यूज करने जा रहे हैं आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज सो होप यू ऑल आर फाइन सो करते हैं आज हम आज के हम एम सी क्यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन मिस्टर पोर्सल रान अ शॉप जो मिस्टर पुरसल थे वो अपनी शॉप में क्या रखते थे फ्लावर्स बड्स किश वाइल्ड एनिमल्स या फिर डव्स तो अपनी शॉप में क्या रखते थे पैट्स रखते थे उनकी शॉप में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पैट्स रखे जाते थे जिनको लोग आके खरीदते थे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू द शॉप वॉज ऑलवेज जो शॉप है वो हमेशा कैसी रहती थी बहुत ही साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन नॉइज बहुत ज़्यादा शोर क्राउडेड भीड़ भड़ाके वाली या फिर क्लोज हमेशा ही बंद जो वो शॉप थी हमेशा ही नॉइज सी रहती थी क्योंकि वहाँ पे जो भी पैट्स थे वो बहुत ज़्यादा वॉयस करते थे सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री द कस्टमर प्रेस्ड मिस्टर पुरसल जो कस्टमर हैं मिस्टर पुरसल को की तारीफ़ करते थे क्यों फॉर लुकिंग आफ्टर द पेट्स फॉर हिज नीट शॉप फॉर द लेवली एटमोसफियर फॉर बींग अ वॉइस आउल उनकी तारीफ इसलिए की जाती थी क्योंकि वो पैट्स की तरफ ध्यान देते थे फॉर लुकिंग आफ्टर दी पैट्स सो ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही विश टू बाय डव्स इधर ही किसकी बात हो रही है इधर ही बात इधर ही किसके लिए यूज़ हो रहा है स्ट्रेंजर के लिए यूज़ हो रहा है जो कि उनकी शॉप में आया था ये स्पेलिंग ऐसे होगी है एक सेकेंड तो इधर ही किसके लिए यूज़ हुआ है स्ट्रेंजर के लिए सो वो स्ट्रेंजर डव्स को क्यों खरीदना चाहता था एज ही विश टू कुक दैम एज ही लव दम एज ही विश टू फ्री दैम नन ऑफ अबव तो वो उनको फ्री करना चाहता था तो इसलिए वो उन डव्स को खरीदना चाहता था जैसे कि आपने चैप्टर की एंडिंग में भी देखा होगा वो उन डव्स को लेके कितने में ख़रीदते हैं उन डव्स को वो फाइव डॉलर्स में ख़रीदता है है ना सो उनको खरीद के वो बाहर आके उनको फ्री कर देता है केज से उनको उड़ा देता है नेक्स्ट क्वेश्चन अब आफ्टर वर्किंग हार्ड एज अ प्रेजनर फॉर टेन ईयर्स ही हैड अर्न अभी भी मैंने बताया उसने कितने डॉलर्स में खरीदे थे जितने में उसने खरीदे थे उतने ही उसने अर्न करे थे और वो टेन ईयर्स क्या था वो प्रिजन में रह के आया हुआ था और वहाँ पे जो भी उसने काम करा उसके लिए उसको कितने पैसे मिले थे फाइव डॉलर्स मिले थे सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स द स्ट्रेंजर वॉज इंटरेस्टेड जो स्ट्रेंजर है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था शॉपकीपर में एंड मटीरियल फीडिंग में शॉप्स मेंटेनेंस में या फिर फ्रींग द केज डव्स वो किस में इंटरेस्टेड था कि जो वो डव्स हैं उनको फ्री करने में सो so, डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स प्लीज़ अब तक जिस उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू तो टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे आगे मैं जो भी एमसीक्यूज जो भी चैप्टर कराऊंगी और जिनको वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना नेक्स्ट क्वेश्चन वन मिस्टर पुरसल सॉ दी डव्स लिबरेटेड ही फेल्ट जब उन्होंने मिस्टर uh, पुरसल ने देखा कि वो डव्स को फ्री कर रहा है तो वो उन्होंने क्या फ़ील करा बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट उन्होंने फील करा है ना इंसल्टेड फील किया सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट द राइट वे टू सेलिब्रेट हिज़ फ्रीडम वॉज किसकी फ्रीडम की बात हो रही है इधर स्ट्रेंजर की फ्रीडम की बात हो रही है कि वो दस साल के बाद जेल से बाहर आया था तो उसने अपनी फ्रीडम को कैसे सेलिब्रेट किया

वट इज मिस्टर पोर्सल कम्पेयर टू जो मिस्टर पोर्सल हैं पोर्सल कौन है जो शॉप जो पैट शॉप चलाते हैं वो मिस्टर पोर्सल हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया जाता है उनको एक आउल की तरह कम, माना जाता है एक आउल से उनको कंपेयर किया जाता है कि वो एक आउल की तरह दिखते हैं सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवंथ आफ्टर ओपनिंग हिज शॉप मिस्टर पोर्सल अपने शॉप ओपन करने के बाद मिस्टर पोर्सल फर्स्ट थिंग क्या करते हैं फीड्स ऑल क्रिएचर्स ऑफ हिस्ट शॉप सिट्स ऑन अ हाई एंड रीड द न्यूज पेपर वेट्स फॉर हिज कस्टमर्स ऑल ऑफ द अबव तो वो क्या करते हैं सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन अपने शॉप पे आके कर न्यूज पेपर रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पोर्सल शॉप वीयर अ चीप सूट एंड शाइनी शूज properly fitted cotton boots, dirty shoes and suit all of above. जो stranger आता है वो उन्होंने कैसे कपड़े डाल रखे थे cheap suit डाल रखा था पर shiny shoes डाल रखे तो तो first will be the correct option. So next question पे चलते हैं question number thirteen. Mr. Porcel shops very dash. जो Mr. Porcel की shop थी वो कैसी थी? Quite बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी तो शेडो एंड डिप्रेसिंग ब्राइट ऑल ऑफ दी अबव सो उनकी शॉप थी वो शेडो योर डिप्रेसिंग थी सो सेकेंड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट डिड द कस्टमर वॉन्ट टू बाय कस्टमर क्या खरीदना चाहता था जो वो स्ट्रेंजर आया था वो क्या खरीदना चाहता था समथिंग इन केज समथिंग दैट इज बिग समथिंग इन बैग या नन ऑफ दीज तो वो क्या ख़रीदना चाहता था समथिंग इन अ केज जब मिस्टर पुरसल ने उस स्ट्रेंजर से पूछा था कि वो क्या ख़रीदना चाहते हैं तो उनका क्या रिप्लाई था कि ही वॉन्ट समथिंग इन अ केज सो फोटीन विल बी दी करेक्ट सॉरी फोटीन का ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो so, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है थैंक यू फॉर वाचिंग